द टाइम्स न्यूज़, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। नमस्कार, डार्क टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरके त्रिपाठी, यूपी का जनपद महाराजगंज। पेट्रोल पंप कर्मी से रंगदारी मांगने वाले सातीर लुटेरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हम आपको बता दें कि दिनांक 18/5/2021 की रात में 9 बजे रामपुरवा के पास नहर के किनारे शैलेंद्र पुत्र रामानंद निवासी सिसवा बाबू, जो गौनरिया पेट्रोल पंप के मैनेजर हैं, को रोक कर तमंचे और खिलौना पिस्टल लाइटर के दम पर लूट की कोशिश की गई। जब शैलेंद्र की तलाशी लेने पर उनके पास कुछ नहीं मिला तो तमंचे और खिलौना पिस्टल लाइटर के दम पर ही दोनों अभियुक्तों द्वारा उनकी नग्न वीडियो बनाई गई और धमकी देते हुए कहा गया कि इस घटना के बारे में यदि किसी को बताओगे तो यह वीडियो वायरल कर देंगे और तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे। इतना कहकर उनके पास से उनके मोबाइल में लगा सिम व चिप छीन लिए तथा उसी चिप से उनकी फ़ोटो निकालकर 7 या 8 जून 2021 को मिठाई के डिब्बे में उनकी फ़ोटो को पैक कर उनके घर के सामने फेंक दिया, जिससे कि वह भयभीत हो जाएं और फिर उनसे कुछ पैसे की डिमांड कर सकें। उपरोक्त घटना के बाद दोनों अभियुक्तों द्वारा दिनांक 17/6/2021 को भोर में KNDM कॉलेज के पास एक व्यक्ति को रोककर उसका मोबाइल छीन लिया और उसी छीने हुए मोबाइल से पेट्रोल पंप के मैनेजर शैलेंद्र कुमार के मोबाइल पर दिनांक 20/6/2021 की शाम 8 बजे करीब में फ़ोन करके वीडियो वायरल न करने के लिए 5 से 6 लाख की रंगदारी मांगा। गिरफ्तारी के संबंध में उप निरीक्षक भूपेंद्र प्रताप सिंह में हमराही वांछित वारंटी तलाश क्षेत्र में मामूर थे कि जरिए मुखबिर सूचना मिली कि आपके मुकदमे से संबंधित अभियुक्त गबरुआ नहर के पास बैठा है, यदि जल्दी किया जाए तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर की बात पर विश्वास कर उप निरीक्षक भूपेंद्र प्रताप सिंह ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को जरिए मुखबिर सूचना देते हुए बताए हुए स्थान पर पहुंचे, जहां प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मनीष कुमार सिंह ने स्वाट टीम को सूचना देते हुए चिउराहा नहर पर मिलने को बुलाया। उपरोक्त टीम द्वारा मुखबिर को साथ लेकर चिउराहा नहर से गबरुआ नहर पहुंचे, जहां पर दो व्यक्ति पुलिया के पास बैठे दिखे। मुखबिर ने इशारा करके बताया कि यह वही व्यक्ति हैं जो लूट और रंगदारी के मुकदमे में वांछित हैं। मुखबिर इशारा करके वहां से चला गया। पुलिस टीम द्वारा एक बारगी दबिश देकर पुल पर बैठे हुए दोनों अभियुक्तों को घेर कर पकड़ लिया गया तथा पकड़े गए अभियुक्तों से नाम पता पूछा गया तो पहले व्यक्ति ने अपना नाम आकाश कुमार पुत्र लाल बहादुर निवासी धनेवा धनेई सुकठिया टोला थाना कोतवाली जनपद महाराजगंज बताया, उम्र करीब 20 वर्ष बताया। दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम मुसद्दी कुल पुत्र अब्दुस चाबू निवासी खोपती खांडा थाना सुपरचर जिला धुबरी राज्य आसाम बताया। अभियुक्त आकाश की जमा तलाशी लेने पर अभियुक्त के पास से 315 बोर अवैध देसी तमंचा व 2 अदद 315 बोर जिंदा कारतूस बरामद हुआ। दूसरे व्यक्ति के पास से 1 अदद पिस्टल, जो पिस्टल के शेप में एक खिलौना लाइटर था, तथा दोनों के पास से 1 HF डिलक्स मोटरसाइकिल बरामद हुई। अभियुक्त गणों से जब उपरोक्त सामान के बारे में कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि इस सामान का प्रयोग हम दूसरे लोगों को डराने, धमकाने व रंगदारी मांगने में करते हैं। कड़ाई से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि दिनांक 18/5/2021, दिनांक 17/6/2021 तथा 20/6/2021 की घटनाओं को स्वीकार करते हुए माफ़ी मांगने लगे। इस बात पर विश्वास कर दोनों अभियुक्त गणों को कारण गिरफ्तारी से अवगत कराते हुए पुलिस हिरासत में ले लिया गया। बरामदगी के आधार पर धारा 3/25 की बढ़ोतरी कर विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया। डार्क टाइम्स न्यूज के लिए स्टेट ब्यूरो सुनील कुमार पांडे की रिपोर्ट। कोतवाली क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप के मैनेजर जब अपने घर जा रहे थे रात में, तो एक नहर के किनारे इनको दो लड़कों ने रोक लिया। उसके बाद उनसे पास जो भी सामान था छीन लिया और उनका एक न्यूज करके कपड़े उतरवा के वीडियो बना लिया गया। बाद में उस वीडियो के आधार पे 5 से 6 लाख रुपए के पैसे मांगे जा रहे थे। जो व्यापारी था उसने हम लोगों को अप्रोच किया, उस पर तत्काल मुकदमा लिखा गया और इसमें संबंधित दो अभियुक्त जो हैं आकाश और मुसद्दी कुल, इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से एक तमंचा मिला है, एक खिलौना पिस्टल मिली है जो लाइटर टाइप का है, वो भी धमकाने में इस्तेमाल किया गया था, और इसके अलावा मोबाइल आदि जो सामान है वो सब बरामद हुआ है। इनको समुचित धाराओं में जेल भेजा जाए। डार्क टाइम्स न्यूज, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।